हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसेल ऑनलाइन क्लास, क्लास 7, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर 2। हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 2.5, क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। आपके पास गिवन जो रुपीज है उनको डेसिमल्स में एक्सप्रेस करना। वी नो दैट, अब देखिए फर्स्ट पार्ट हमारे पास 7 पैसे, सेकेंड 7 रुपीज 7 पैसे, 77 रुपीज 77 पैसे। वी नो दैट 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज। 100 पैसे में कितना रुपीज होता है? 1 रुपीज। अब हमें क्या फाइंड करना है? 7 पैसे। तो सबसे पहले 1 काउंट कर लेते। देखिए यहाँ पर 1 कब आएगा? जब देखिए इक्वेशन की फॉर्म में है, हमारा इक्वल का साइन आ जाए हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म में। तो हम ये LHS पार्ट है हमारा और ये RHS पार्ट। जो चीज हम LHS में करेंगे, चाहे किसी भी डिजिट से आपको मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, प्लस करना हो, माइनस करना हो, जो भी हम काम LHS में करेंगे वही काम हमें RHS में भी करना है, क्योंकि इक्वल बना के रखना। अभी 100 पैसे, 1 पैसे कब आएगा ये यहाँ पर? जब 100 से मैं डिवाइड करूंगा, तो 100 पैसा इक्वल टू 1 रुपीज। अब देखिए 1 लाने के लिए मुझे उसी डिजिट से डिवाइड करना होगा। 100 से जब यहाँ डिवाइड किया तो यहाँ डिवाइड करना होगा, इक्वल बना के रखना। 100 से 100 कैंसिल हो गए 1 टाइम्स, इट मीन्स 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीज। ये चीज आपको फाइंड करना आना चाहिए, 1 पैसे इक्वल टू 1/100 रुपीज। अब हमें क्या फाइंड करना है? 7 पैसे, 7 पैसे, 1 पैसे की तो वैल्यू हमने फाइंड कर ली। 1 पैसे इक्वल टू 1/100 रुपीज। अब देखिए यहाँ पर 7 लाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो RHS में भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि बैलेंस बनाएंगे चलते जैसे हमने ऊपर किया। 1 × 7 पैसे, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? 7 इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई यहाँ किया तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 × 7/100 रुपीज। 1 × 7 मीन्स 7 पैसे, 7 × 7 = 7 पैसे, 7 × 7/100। तो 7, अब देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 7/100 रुपीज। अब अकाउंट में 0, 1 के साथ जितनी 0 है डिवाइड में, उसको सिंप्लीफाई करना इजी होता है। उतनी डिजिट बाद हम क्या लगा देंगे? पॉइंट। जितने 0 होते हैं उतनी डिजिट बैक साइड से काउंट करके, याद रखना पीछे से काउंट करके, उतनी डिजिट बाद हम क्या लगा देंगे? डेसिमल लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो नीचे अकाउंट में कितनी 0 है? 2 0, इट मीन्स बैक साइड से 2 डिजिट काउंट करेंगे। ये तो सिंगल डिजिट है, तो डिजिट को कवर करने के लिए हम देखो 1 डिजिट, डिजिट को कवर करने के लिए हम 0 लगाएंगे, 2 और फिर यह लगा देंगे पॉइंट, और डेसिमल के पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं थी, आप तो 0.07 रुपीज। वापस देख लो अकाउंट में 2 0 है तो 2 डिजिट बाद 1 2। जब डिजिट नहीं हो तो अपनी तरफ से क्या लगा सकते हैं? 0 लगा सकते हैं और फिर उसके बाद पॉइंट, 0.07 रुपीज। इट मीन्स 7 पैसे में हमारे पास 0.07 रुपीज हो गया। दैट इज, ऐसे ही आप इसको भी कन्वर्ट कर लो। सेकंड क्वेश्चन, 7 रुपीज, 7 पैसे। अब इसको रुपीज में कन्वर्ट करना है पैसे, ये तो ऑलरेडी रुपीज में कन्वर्ट है, इसको करना है तो हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, 7 रुपीज, इनके बीच में कौन सा साइन? रुपीज और पैसे के बीच में कौन सा साइन लगा सकते हो? प्लस का, प्लस 7, हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। अब ये तो ऑलरेडी रुपीज में, हमें बस इसको कन्वर्ट करना है 7 पैसे। 7 पैसों को अभी हमने कन्वर्ट किया था, क्या आया पूरा प्रोसीजर देखा था हमने, 0.07, तो हम यही पुट कर देंगे, 7 रुपीज प्लस 0.07 रुपीज।
अब प्लस कर लेंगे, देखिए 7 डेसिमल का प्लस करना आपको आना चाहिए, 7 रुपीस, 7 रुपीस, और आपको क्या प्लस करना है इसमें 0.07, इसमें डेसिमल नहीं, तो अपनी तरफ से आप डेसिमल लगा सकते हो और जीरो लगा सकते हो, क्योंकि डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो आप अपनी तरफ से उतनी जीरो लगा सकते हो जितने डेसिमल के बाद डिजिट, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2 डिजिट, तो 2 जीरो अपनी तरफ से लगाएं। अब देखो डेसिमल से डेसिमल, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और डेसिमल के बाद क्या है 0.07, और इसके पहले क्या है 0, तो डेसिमल एक ही लाइन में आपके पास होना चाहिए प्लस माइनस करने पर, अगर नहीं है कोई सिंगल डिजिट आपके पास गिवन है तो उसमें आप डेसिमल अपनी तरफ से लगा सकते हैं, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हमें प्लस करना है इसको, 0 + 7 = 7, 0 + 0 = 0.7, में 0 ऐड करेंगे 7, तो हमारा आंसर आएगा 7.07, और फाइनल अब ऐसे ही आपको थर्ड पार्ट करना है। थर्ड पार्ट करने के लिए जैसे हमने इसको राइट किया था इनके बीच में क्या साइन लगा, तो प्लस का, रुपीज और पैसे के बीच में प्लस का साइन, 77 रुपीज प्लस 77 पैसे, तो कहने का मतलब है अगर पैसों को रुपीज में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्ट आपको किससे डिवाइड करना है, 100, ये ट्रिक है हमारे पास पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करना है, तो हम डायरेक्ट वही कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट 77 रुपीज, ये तो ऑलरेडी रुपीज में है, प्लस 77 जो पैसे है उसमें किसका डिवाइड करते हैं, 100 का डिवाइड करते हैं, ये किसमें चेंज हो जाएगा, रुपीज में, ये ट्रिक आपको पता होनी चाहिए, जैसे हमने प्रोसेस किया, आप डायरेक्ट भी पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, 100, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 77 रुपीज प्लस अपॉन में कितनी जीरो है, 20, इट मीन्स 2 डिजिट पर बैक साइड से काउंट करके 1, 2 या डेसिमल आ जाएगा 7, और डेसिमल से पहले आप जीरो लगा सकते हो 0.77, 0.77 ये रुपीज। अब इसको प्लस कर लो आप, 77 में क्या प्लस करना है, 0.77, अब इसमें देखो डेसिमल नहीं है, अपने तरफ से हम डेसिमल लगा सकते हैं 77.00, अपने तरफ से 20 लगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल ऐड करो, फिर इससे पहले 0 और फिर 77, ऐसे बैलेंसिंग प्लस माइनस करना आना चाहिए डेसिमल को, 7 + 0 = 7, 7 + 0 = 7, डेसिमल 77, तो आपके पास आएगा 77.77 रुपीस, दैट इज। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर, 5 सेंटीमीटर को आपको मीटर एंड किलोमीटर दोनों में एक्सप्रेस करना है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वी नो दैट 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर एंड 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, ये आपको पता होना चाहिए, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है और 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। अब देखिए 5 सेंटीमीटर को हमने सबसे पहले मीटर में, तो फिर उसके बाद किलोमीटर में, तो सबसे पहले मीटर में चेंज करते हैं, पहले हमें जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, पहले 1 सेंटीमीटर की वैल्यू फाइंड करनी होगी, फिर 5 सेंटीमीटर की डाल, देखिए यहाँ 1 कब आएगा, तब 100 से डिवाइड करेंगे, यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ डिवाइड करना होगा, मीन्स 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से 100 कैंसिल, 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, यहाँ डिवाइड किया तो यहाँ डिवाइड करना होगा 1/100 मीटर। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 5 सेंटीमीटर, यहाँ 5 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो राइट हैंड साइड में भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, 1 × 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 × 5/100 मीटर, तो यह आ जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 5/100, मीन्स अपॉन में कितनी जीरो, 20, 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे, 5 1 डिजिट
एंड ये टू डिजिट और ये पॉइंट बन जाएगा, इससे पहले आप जीरो लगा सकते मीटर। तो 5 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया फर्स्ट आंसर में। अब 5 सेंटीमीटर को ही हमें किलोमीटर में भी चेंज करना, तो हमारे पास देखिए 0.05 मीटर ये वैल्यू, फर्स्ट 1 मीटर की वैल्यू फाइंड करेंगे, 1 लाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे आप, दोनों साइड करना होगा बैलेंस के, 1000 से 1000 कैंसिल 1, तो 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। अब वैल्यू किसकी देखो, मीटर में से ऑलरेडी हमने कन्वर्ट कर दिया 0.05 मीटर। अब 0.05 कब आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 से, यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा तो यहाँ भी वही करना होगा, तो 1 × 0.05 मीटर इक्वल टू 1 × 0.05 अपॉन में 1000 किलोमीटर। 0.05 से यहाँ मल्टीप्लाई किया और यहाँ की आया तो यहाँ भी करना होगा, अब ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.05 मीटर इसके इक्वल ही 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर है हमारे पास, 0.05 इसके इक्वल है 5 सेंटीमीटर की, इसमें 5 सेंटीमीटर इक्वल टू डेसिमल टाइम इसका, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2, तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे हमारे पास, हाउ मैनी टोटल जीरो कितनी हो जाएगी हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 डिजिट बाद आपको पॉइंट मिल जाएगा क्योंकि 5 जीरो है। तो देखिए 5 का है 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट लग गया किलोमीटर, तो हमारे पास आंसर हो गया 5 सेंटीमीटर।